हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि घर पर ही मैनीक्योर कैसे करें, क्योंकि पार्लर में जाते हैं मैनीक्योर करवाने तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा आ जाता है और उतना टाइम भी नहीं होता हम लोगों के पास कि हम लोग जाकर पार्लर में मैनीक्योर करवाएं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि घर पर ही अपने मैनीक्योर कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है इसका मैनीक्योर करने का, तो ये होता है नेल पेंट को रिमूव करना। तो उसके लिए आप कोई अच्छे से ब्रांड का नेल पेंट रिमूवर ले लें, उससे उसको कॉटन में लेकर इस तरह से अपना नेल पेंट जो है रिमूव कर लें। और फ्रेंड्स, अब तक अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मैं जो वीडियो पोस्ट करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। और नेल पेंट रिमूव करने के बाद आ जाती है बारी नेल कटर की, नेल को कट करने की। अगर आपका एक्स्ट्रा नेल जो भी आप कट करना चाहें उसको आप काट लें नेल कटर से। उसके बाद नेल फाइल से नेल को अच्छे से फाइल्स कर लें अपने नेल्स को, और जैसा भी आप शेप देना चाहें वो शेप आप दे सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मेरा नाखून थोड़ा ही बड़ा है तो मैं अपने अनुसार से उसको शेप दे देती हूँ। नेल फाइल्स हो जाने के बाद बारी आ जाती है क्लीजिंग की। तो उसके लिए हमें चाहिए गर्म पानी, हल्का गर्म पानी, ज़्यादा नहीं, और इस तरह से एक टब में, छोटे से टब में गर्म पानी लेना है। उसमें मैंने डाला है यहाँ पे नमक और बेकिंग सोडा आधा आधा चम्मच, और थोड़ा सा शैम्पू लिया है मैंने यहाँ पे सनसिल्क का शैम्पू लिया। आप जो भी शैम्पू लेना चाहे ले सकती हैं। और उसके बाद आधा नींबू मैंने निचोड़ा है, आधा नहीं, आधा से थोड़ा कम ही होगा। और जो नींबू का रस निकाल लेने के बाद उसका छिलका भी उसी में रख लिया, और थोड़ा झाग आने के बाद अपने हाथों को उसमें डुबो कर रखेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट तक। इससे क्या होगा, हमारे हाथों की गंदगी जो है वो निकल जाएगी और नेल्स में जो भी जमे हुए धूल मिट्टी वो सब भी निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा मैंने मिलाया है, शैम्पू है, नमक है और ये नींबू का रस है। तो ये सब अच्छे से क्लीजिंग का काम करता है और इस तरह से क्लीजिंग हो जाता है। आप कोई भी पुराना टूथब्रश ले सकती हैं और उससे अपने नेल्स को इस तरह से साफ़ करना है, और थोड़ा सा चाहे तो टूथपेस्ट भी लगा ले उसमें, ताकि जो भी गंदगी दाग धब्बे जो होती है नेल्स पे पड़े हुए रहती है या फिर नेल्स के जो भी कालापन होता है वो सब निकल जाएगा और नाखून जो एकदम लाइट और ब्राइट दिखने लगेगा, एकदम चमकीला और सुंदर दिखने लगेगा। और नेल्स को अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद इस तरह से धो लेंगे हैंड्स को। उसके बाद नेल कटर में भी रहता है ऐसा पुशअप करने वाला, या फिर एक अलग से नेल किट आता है उसमें भी रहता है। तो इस तरह से जो नाखून के पोर्स होते हैं साइड साइड से जो आप देख रहे हैं जैसे, इस तरह से उसको पुश करना होता है ताकि और भी खूबसूरत दिखे नाखून। तो आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकती हैं, वैसा कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कर लेते तो अच्छा रहता है। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से क्लीजिंग हो गया हैंड। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क, 2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच ऑरेंज पिल्स पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम शहद, तीनों का एक गाढ़ा पेस्ट सा बना लेंगे। ये हमारे स्किन को बहुत ही अच्छा लाइट एंड ब्राइट और स्मूथ बनाता है, और एक स्क्रबर का काम करता है, वाइटनेस लाता है, जो भी डार्कनेस है ये सबको दूर करता है, क्योंकि इसमें ऑरेंज पिल्स पाउडर भी है, चावल का आटा जो बहुत ही अच्छा स्क्रबिंग का काम करता है। तो 5 से 10 मिनट तक लगा लेंगे, उसके बाद अच्छे से स्क्रबर जैसे इसको साफ़ कर लेंगे, थोड़ा सा रगड़ते हुए दोनों हाथों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लेना है, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है हाथ मेरा बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बारी आ जाती है मसाज करने की, तो आप कोई भी मसाज जेल ले सकती हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा का मसाज जेल है ये, इसके जगह पे आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। इससे मसाज कर लेना है हल्के हाथों से 5 से 7 मिनट तक अपने हाथों को इस तरह से रब करते हुए मसाज कर लीजिए। और आप चाहे तो पानी से धो सकती हैं हाथ को, और नहीं तो ऐसे ही आप पोंछ कर ऊपर से लगा लेंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र लगा लेने के बाद हमारा मैनीक्योर लगभग लगभग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे नेल कलर लगाना है, लगाना शुरू ही किया, उससे पहले लगाएंगे ट्रांसपेरेंट नेल कलर।
नेल पेंट, मैं भी क्या बोल रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छा सा नेल कलर जो हम लगाते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, अच्छा लुक आता है उसका, लाइट शाइनिंग अच्छा हो जाता है। तो पहले ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाएंगे, उसके बाद ये नेल कलर जो भी है, जैसा कलर आपको पसंदीदा हो, मेरी बेटी बोलती है पसंद का पसंदी, वो ही मैं बोल रही हूँ। तो जो भी आपके पसंद का हो नेल कलर वो आप लगा लीजिए, और एक कोट से नहीं होता है, कम से कम 2 या 3 कोट लगाएं। तो मैंने यहाँ पे 2 कोट लगाए, ये 1 कोट जब सूख जाता है उसके बाद एक बार फिर से नेल पेंट अप्लाई करना है अपने नेल्स पे। और मैं एक ही हाथ पे नेल कलर लगाती हूँ, नेल पेंट, तो इतना माइंड मत कीजिएगा। और दूसरी बार लग गया मेरा, 2 कोट हो गया कंप्लीट, और आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है। और फिर इस तरह से अगर एक्स्ट्रा नेल पेंट लग जाता है आपके हाथों पे तो आप उसको रिमूव कर सकती हैं। और ये सब रिमूव हो जाए और अच्छे से सूख जाए तो ऊपर से फिर से हम ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई करेंगे, तो बहुत ही अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, अच्छा लुक देता है। आप लोग देख ही सकते हैं कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।